हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिनेश टाटिया और मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेब स्क्रैपिंग पार्ट टू। तो हमने वेब स्क्रैपिंग पार्ट वन में जो देखा था उसमें हमने पहले समझे थे कि HTML कोडिंग क्या होता है, किस हिसाब से वो डिवाइडेड रहते हैं सारे कोड्स उसमें, और कैसे हम डेटा फेच कर सकते हैं। हमने ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी देखी थी, उसके डायरेक्टरी देखी थी, और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि कैसे हम डेटा फेच कर सकते हैं। ओके, सो होप सो आपने यहां तक देखा होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल वेब स्क्रैपिंग के, कैसे हम पूरा डेटा फेच करते हैं। तो हमारा डेटा क्या है? हमारा डेटा है ये जो मोबाइल फोन है उसकी जो वैल्यूज है, ये हमारे डेटा है। ओके, तो इसमें अब क्या होता है? इसमें होता है कि ये एक कंटेनर है। कंटेनर कौन सा है? ये जो पूरा एप्पल फोन है, एप्पल फोन की जो डिटेल्स दी हुई है ये पूरे कंटेनर में दी हुई है। वैसे कितने कंटेनर हैं? ऐसे टोटल 24 कंटेनर हैं एक पेज पे। ओके, सॉरी, एक पेज पे कितने कंटेनर हैं? 24। ओके, सो हर एक कंटेनर में मोबाइल की पूरी डिटेल्स दी हुई है, उसकी इमेज दी हुई है, मोबाइल का क्या मॉडल है वो दिया हुआ है, देन उसके रोम, साइज, कैमरा एंड उसमें वारंटी क्या है, एंड उसके प्राइसिंग। ओके, प्राइसिंग मेरी कहाँ पे है? अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे है मेरी प्राइसिंग। ओके, तो ये मेरी आ जाती है प्राइसिंग यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये रही मेरी प्राइसिंग। ओके, तो इस तरह से एक कंटेनर में मेरे सारे वैल्यूज प्रेजेंट रहती है, और वैसे 24 कंटेनर हैं, तो मुझे ये सारे कंटेनर की वैल्यू फेच करनी है। अब हमने HTML में क्या देखा था? हमने HTML में देखा था कि हमारा ये एक कंटेनर का एक स्पेसिफिक क्लास होता है, उस क्लास में अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लास में सारी वैल्यूज डिफाइंड रहती है। जैसे अब जैसे मेरा ये कंटेनर है, ये कंटेनर को मैं यहाँ पे रोवर करूंगा, यहाँ पे एलिमेंट पे क्लिक करके, तो ये रोवर करूंगा तो मेरे को ये पूरा कंटेनर का क्लास मिल जाएगा। ये कंटेनर का क्लास कौन सा है? ये कंटेनर का क्लास, ये वाला मत लेना जो मेरा ये 2HKT आ रहा है, इसमें ये एक्स्ट्रा स्पीसीज भी आ रही है जो आपको ग्रे कलर में दिख रही है, वो मत लेना, अपने ये वाली क्लास लेंगे। ये वाली क्लास की ये वाले क्लास का मेरा पूरा कंटेनर है, ठीक है। तो ये क्लास के अंदर पूरी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर एक्सपेंड करता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, प्राइसिंग के लिए भी हम आएंगे, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। तो अब क्या होगा? जैसे अब मेरी ये क्लास है कंटेनर की, अब इस क्लास के अंदर क्या क्या वैल्यूज है? इस क्लास के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे अगर नेम देना है मेरे प्रोडक्ट का, तो मेरे प्रोडक्ट का नेम कौन सा? ये फोर यहाँ पे ये रहा, ये क्लास में है, ठीक है। ये क्लास किसके अंदर है? ये क्लास जो मेन कंटेनर है मेरा उसके अंदर है। फिर यहाँ पे रेटिंग्स देनी है मुझे, फॉर एन एग्जाम्पल रेटिंग्स का कौन सा है? रेटिंग्स की क्लास है मेरी, यहाँ पे जाऊंगा मैं, इस पे रोवर करूंगा तो रेटिंग के मेरी क्लास कौन सी आती है? सिमिलर आती है ये रही, अंडरस्कोर 3LWZI Z1K। तो ये मेरी क्लासेस है, तो क्लास के अंदर क्लास, उसके अंदर क्लास, और उसमें ये सब वैल्यूज डिफाइन होती है। तो पहले मेरे एक HTML की एक पूरी क्लास जिसमें सारे पेजेस है, उसके अंदर डिवाइडेड है मेरे कंटेनर। कंटेनर की मेरी क्लास कौन सी थी? कंटेनर की मेरी क्लास थी ये वाली। इसके अंदर आप जैसे इसमें ड्रॉप डाउन करेंगे और आपको सारी क्लासेस मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये पूरे क्लास के अंदर, जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखा था, पाइथन जब हम सीख रहे थे क्लास में, तो क्लास के अंदर क्लास जिसमें पूरा डिफाइन होता है वैल्यू, उसी तरीके से ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है? मुझे ये कंटेनर में से वैल्यूज फाइंड करनी है। अब वैल्यू कौन कौन सी मुझे फाइंड करनी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पहले नाम चाहिए, प्रोडक्ट नेम, स्टार, रेटिंग्स, रिव्यूज, रोम और रैम भी दिया हुआ है आगे नीचे, तो रैम रोम दोनों चाहिए। साइज का मुझे इतना मैटर करता नहीं है, क्योंकि आप साइज देख के फोन नहीं लेते, आप उसके प्रोसेसर है, उसके कैमरा है, उसमें कितनी मेमोरी है वो देख के आप फोन लेते हैं। लाइक एप्पल का नेम देख के लोग ले लेते हैं, उसका साइज देख के जनरली कोई प्रिफर नहीं करता आज के टाइम में, सबको कैमरा और प्रोसेसर चाहिए रहता है, ठीक है।
और फिर बाद में उसमें प्रोसेसर हो गया, वारंटी वारंटी भी आप फेच करना हो कर सकते हैं, हम वारंटी फेच करेंगे। प्राइस कितना है, अब इसका एमआरपी है, एमआरपी में डिस्काउंट करके हमको ये प्राइस दिया है, तो हम एमआरपी भी निकालेंगे, हम डिस्काउंट भी निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों के डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लिख लेता हूँ मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, ठीक है। सो मुझे चाहिए पहले तो प्रोडक्ट नेम, ओके, मुझे चाहिए प्रोडक्ट का नेम चाहिए मुझे, फिर क्या चाहिए मुझे, मुझे उसमें चाहिए स्टार्स, फिर चाहिए रेटिंग्स उसकी, फिर चाहिए उसके रिव्यूज, ओके, फिर मुझे क्या चाहिए उसकी करंट प्राइस, वो क्या प्राइस में हमें दे रहा है, उसकी एमआरपी कितनी है, ओके, एमआरपी हमें यहाँ से मिल जाएगी। देन आफ्टर क्या है, कैमरा रैम रोम, उसमें रैम अंडरस्कोर रोम कर देते हैं हम, ठीक है। फिर बाद में कैमरा आ जाएगा, फिर मेरा प्रोसेसर आ जाएगा, अगर आपको वारंटी चाहिए तो वारंटी भी आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज मुझे लगेगी, वो क्या है, इमेज मेरा जो एक सेकेंड, मेरा जो इमेज है फोन का ये रहा, वो भी मुझे लगेगा, तो सॉरी, ठीक है। तो मैं यहां से क्लिक करता हूं, तो इमेज पे जाता हूं, तो इमेज की ये यूआरएल है, ठीक है, तो ये भी मुझे फेच करनी है, तो मैं मुझे क्या चाहिए, इमेज, इसको ऊपर ले लेता हूँ जी, तो मुझे क्या चाहिए, इमेज, तो ये सब चीजें मुझे फेच करनी है, ओके। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया सब, होप सो आपने वो क्या क्या डिटेल चाहिए, तो पहले ही आपने एक पूरा प्लान बना के रखो कि आप जब एक वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डिटेल्स एक स्पेसिफिक चीज से लेनी है, तो जिससे क्या होगा कि आप पूरी तरीके से उसको प्लान कर पाओगे कि आपको क्या क्या डेटा फेच करना है, ओके। तो ये मुझे डेटा चाहिए नाउ, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कंटेनर बनाऊंगा, कंटेनर कौन सा रहेगा मेरा, कंटेनर रहेगा मेरा जो क्लास दिया हुआ है ये रहा, ये क्लास का मेरा कंटेनर रहेगा, क्योंकि ये मेन कंटेनर है, ओके। तो मेरा क्या होगा, कंटेनर्स एक वेरिएबल बना देते हैं, कंटेनर्स इज इक्वल टू, कंटेनर्स इज इक्वल टू मेरा डेटा कौन सा है, मेरा डेटा में से मुझे निकालना है, तो मेरे डेटा का नाम क्या है, मेरे डेटा का नाम है डेटा, ओके। सो मेरे डेटा का नाम है डेटा डॉट, क्या करना है मुझे, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑल करना है, जिसमें ये क्लास के अंदर जितनी क्लासेस हैं वो सारी फाइंड करनी है मुझे, ठीक है, फाइंड ऑल करना है। अब इसमें देखिएगा जो टैब है वो ए है, ठीक है, जनरली देखिए यहाँ पे डीआईवी से सबको टैब दिया हुआ है, बट यहाँ पे ए से दिया हुआ है, ये ए है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि क्यों ए से क्यों डीआईवी है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बट ये है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब मैं इसको, अगर कंटेनर मेरा ये हो जाएगा, अगर मैं कंटेनर प्रिंट करता हूँ तो मेरा ये आ गया, तो ये एक कंटेनर में जितनी डिटेल्स हैं, एक कंटेनर में जितनी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स इसने फेच कर ली है। अब इसमें से मुझे जो जो डिटेल्स निकालनी है वो मैं निकाल सकता हूँ, जैसे अब आप देखेंगे एप्पल आईफोन 13 स्टारलाइट 128, ओके, ये रहा एप्पल एप्पल आईफोन 13 स्टारलाइट 128 GB, ओके। तो इसी तरीके से सारी डिटेल्स मेरी, ये यहाँ पे एक और आ गया 128 GB का स्टारलाइट, फिर यहाँ पे भी वन स्टारलाइट कुछ ज्यादा ही है इसमें, तो इस तरीके से मेरा पूरा डेटा इसमें से फैच हो जाता है, ओके। तो आप एक और इसमें देखेंगे यहाँ पे, ये रहा एप्पल आईफोन 13 पिंक 128 GB, गर्ल्स के लिए ले लो, भाई पिंक कलर है, ठीक है। तो ये हो गया ओप्पो ओप्पो रेनो 10 5G, तो इस तरीके से मेरी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरा ये कंटेनर आ गया, अब ये कंटेनर मैंने फेच कर लिया, अब ऐसे मेरे कितने कंटेनर्स हैं, वैसे मेरे 24 कंटेनर्स हैं, तो सारे में से मुझे वैल्यू फेच करनी है, तो मैं एक एक करके करूंगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, सही सोच रहे हो आप, लूप लगा दूंगा, तो फॉर कंटेनर इन कंटेनर्स, ठीक है।
अब मुझे क्या निकालना है इसमें से, इसमें मुझे निकालना है नेम, किसका नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू, किसमें से मुझे निकालना है, कंटेनर में से निकालना है। कंटेनर में मैं क्या करूंगा, फाइंड ऑल लगाऊंगा। अब मैं इसको निकालूंगा कैसे, इसके लिए हमने देखा था कि इसके लिए एक स्पेसिफिक क्लास है इसकी, तो वो क्लास को हम फाइंड करेंगे। वो क्लास कौन सी है, अंडरस्कोर 4RR0IT, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब ये टैब क्या है इसका, डीआईवी टैब है, ओके। सो डीआईवी टैब करके मैं इसको क्लास यहाँ पे डिक्शनरी बना दूंगा। ये डिक्शनरी बना के मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मैं लिखाऊंगा प्रिंट, प्रिंट क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, सी ये आ गई आपकी डिटेल्स, प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई। तो इसमें से आपको ये जब ये डेटा आता है ना, तो ये देख के घबराना नहीं है, इसमें ये रहता है। अब आपको अगर वेब पूरा HTML का ये वेब डेटा सेट ये सब नहीं आता, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, उसमें कोई भारी काम नहीं है। हमें डेटा निकालना है खाली, हमें इसको पढ़ना नहीं है। आपको उसका ज्ञाता बनना है तो फिर आप अलग से कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू इन दैट, बट हमें तो डेटा निकालना है, हमें डेटा से मतलब है, अगर हम डेटा एनालिसिस डेटा साइंस में वर्क कर रहे हैं तो। कैसे निकालना है वो मैटर करता है, क्या निकालना है वो मैटर करता है। अब वो वहां पे क्यों आया, कैसे आया, वो हमें अभी नहीं दिखना, ठीक है। तो उसमें ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। तो यहाँ पे हमने डेटा निकाल दिया, बट आप देखेंगे इसमें यहाँ पे डीआईवी और उसकी क्लास भी आई है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो मेरा प्रोडक्ट नेम है ना, ये टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है मुझे, खाली यही टेक्स्ट में, बाकी सब तो वो HTML की डिटेल्स है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा डॉट टेक्स्ट, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे डॉट टेक्स्ट में एरर आया है, वो क्या एरर बोल रहा है, रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, मतलब हमने देखा था कि जो मेरा लिस्ट लिस्ट टाइप में रिजल्ट सेट, इसमें जो मेरा टाइप है वो रिजल्ट सेट का है, वो एज ए लिस्ट फंक्शन करता है, खाली एक सब्सक्राइब अलग उसमें एक फंक्शन है, बाकी वो एज ए लिस्ट परफॉर्म करता है। अब लिस्ट में मैं डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं लगा सकता, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें ये लिस्ट फॉर्म में है, तो इसमें मैं डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं लगा सकता। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको फेच करता हूँ, लिस्ट हटाता हूँ। अब इसमें देखेंगे कि ये जो मेरा इंडेक्सिंग है, ये मेरा इंडेक्सिंग जीरो पे है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले इंडेक्सिंग लगा के इसमें से मैंने लिस्ट हटा दिया, खाली अंदर का डेटा ले लिया। अब इसमें मैं टेक्स्ट लगा सकता हूँ, ये आ गया, समझ में आया आपको कैसे निकाला है डेटा। तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट नेम, ओके, समझ में आ गया आपको ये प्रोडक्ट नेम किस हिसाब से आया। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, ये स्टारलाइट, मैं ये स्टारलाइट हटा भी सकता था, बट क्या है कि एप्पल आईफोन 13 4 है, अब कौन से टाइप का है वो पता नहीं है, तो वो हमें पता करना जरूरी होता है। तो इसको मैं एक नेम ले लेता हूं, एक और वेरिएबल बना देता हूं प्रोडक्ट डिटेल्स का। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या होगा, पहले तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं क्योंकि मुझे यही चाहिए, ओके। नाउ अब मेरा ये कैसे, अब आप इसमें एक चीज देखेंगे कि ये मेरा, इसको मैं, ये टेक्स्ट फॉर्म में है तो स्ट्रिंग फॉर्म में है, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं। अब मैं स्प्लिट कहां से कर सकता हूं, मुझे ये सेपरेट करना है, तो स्प्लिट कैसे होगा, तो स्प्लिट के लिए यहां पे देखेंगे स्पेस है, लेकिन मैं अगर स्पेस से करने जाऊंगा स्प्लिट, तो यहां पे भी स्पेस है, यहां पे भी स्पेस है, तो वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं यहां पे ये ब्रैकेट से इसको स्प्लिट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया स्प्लिट, ओके। तो अगर मैं प्रिंट प्रोडक्ट डिटेल्स करूं अगर, तो ये मेरा आ गया स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी एक काम करता हूं, इसको मैं पहले टेक्स्ट फॉर्म में कर देता हूं, अब प्रिंट कराता हूं मैं, तो अब आप देखेंगे ये क्यों ऐसा आया है, प्रोडक्ट नेम जीरो, एक सेकेंड, प्रोडक्ट नेम जीरो स्प्लिट, कुछ इश्यू हुआ है, एक सेकेंड गाइस, ओके, यहां पे सही आ रहा है मेरा आईफोन आइस ब्लू, ठीक है, ये सारे आ रहे हैं मेरे, बस मैं अगर यहां पे टेक्स्ट को स्प्लिट कर रहा हूं,
प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डिटेल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट नेम डॉट टेक्स्ट, पहले तो ये करते हैं, इसको स्प्लिट को हटाते हैं, फिर प्रिंट कराते हैं। ओके एक सेकेंड, ओके तो इसमें काम करते हैं, एक सेकेंड, पहले मैं क्या करता हूँ, ये कुछ एरर ले रहा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले कमेंट करता हूँ। ओके नाउ मैं इसको यहाँ पे प्रिंट प्रोडक्ट डिटेल्स आ गया, ठीक है। अब मैं इसको पहले सेपरेट कर लेता हूँ, स्प्लिट कर लेता हूँ यहीं पे। ओके यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं हम इसको, यहाँ पे ये हो गया हमारा स्प्लिट। ओके अब आपको क्या चाहिए इसमें, आपको चाहिए सबसे पहले जो मेरा प्रोडक्ट नेम है, तो प्रोडक्ट नेम क्या होगा मेरा, एप्पल आईफोन 13। एप्पल आईफोन 13 तो आप देखेंगे ये लिस्ट फॉर्म में है, लिस्ट फॉर्म में कॉमा सेपरेटेड है, तो मतलब ये इंडेक्सिंग होगा 0 और 1 का। तो यहां पे मैं 0 लगा दूंगा तो मेरा आ जाएगा नन टाइप। ओके डॉट टेक्स्ट ऑफ 0, एक सेकेंड, ओके ये आ गया मेरा, ठीक है। अब यहां पे मेरा ये आ जाता है पूरा डिटेल्स, प्रोडक्ट नेम। अब आप देखेंगे कि यहां पे एक और चीज हो रहा है जो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मेरा ये एप्पल आईफोन 13 आ रहा है ना, तो इसके बाद एक स्पेस भी आ रही है, ये रही, वो जो हमने देखा था ना ब्रैकेट के पहले एक स्पेस थी, ठीक है, वो स्पेस यहां पे आ गई है। अब वो मेरा आगे जाके जब मैं इसको डेटा को सीएसवी में कन्वर्ट करूंगा तब वो मुझे क्वेरी रेज करेगा, क्वेरी रेज नहीं करेगा सॉरी, वो मुझे है ना डेटा प्रॉपरली नहीं देगा, स्प्लिट होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ये अब है स्ट्रिंग में, हमारा डेटा टाइप जो है अब ये स्ट्रिंग में आ गया, तो इसमें एक हमारे पास फंक्शन होता है कॉल्ड स्ट्रिप। तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिप कर देंगे, सॉरी ये प्रिंट के अंदर आएगा, ठीक है, स्ट्रिप कर दिया। तो उसमें स्ट्रिप में क्या होता है, जो स्पेसिस है एक्स्ट्रा, ये देखो जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो निकल गई यहां से, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट नेम। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, एक प्रोडक्ट कर दे, सॉरी प्रोडक्ट नेम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी मेरा एक हो जाएगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये हो गया। तो यहां पे मैं कर दूंगा प्रिंट प्रोडक्ट, ओके तो ये मेरा आ गया। यहाँ पे नन क्यों आया है, नन इसलिए आया है यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ इसको, वो मुझे प्रिंट नहीं कराना क्योंकि मैं प्रिंट नीचे करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नेम आ गया। सिमिलरली अगर मुझे प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए, ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटेल्स में मैं क्या करूँगा, सेम चीज यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट सेक्शन से हटाते हैं, तो प्रोडक्ट डिटेल्स में मेरा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा आपने देखा था जब हमने स्प्लिट किया था उसको, तो जीरो पे हमारा नेम था प्रोडक्ट नेम, और जो वन पे था इंडेक्सिंग वन पे हमारी डिटेल्स थी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा वन प्रोडक्ट डिटेल्स, एक सेकेंड डिटेल्स, सॉरी वो प्रोडक्ट डिटेल्स, हाँ अब आ गया, ठीक है। यहाँ पे वन नहीं था क्योंकि जो प्रोडक्ट नेम का जो वन था, सॉरी जीरो था, तो उसमें हमारा एक ही लिस्ट था जिसके अंदर हमारी डिटेल्स थी, वन तो था नहीं उसमें, वो तो आउट ऑफ रेंज हो जाता वन, ठीक है। यहाँ गया, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ये ब्रैकेट आ रहा है एंड में, ये ब्रैकेट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल स्लैश करके हम कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए ब्रैकेट, अब वो कैसे हटाएंगे, एनी गैसेस? अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, क्या सोच सकते हो आप, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये पूरा एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग हमने देखा था, तो अब हम क्या कर देंगे इसको, अब हम इसको कर देंगे स्लाइसिंग। तो -1 कर दूंगा मैं, जैसे ही मैंने -1 कर दिया ये आ गया मेरा डिटेल। ओके तो प्रोडक्ट डिटेल्स मेरे आ गई यहां पे।
तो प्रोडक्ट भी आ गया, प्रोडक्ट डिटेल्स भी आ गई। यहाँ पे हमको इसको कॉमा सेपरेटेड नहीं करना अभी। इसको कॉमा सेपरेटेड ठीक है नहीं करना अभी, इसको हम बाद में देख लेंगे एक बार कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, एरर आएगा देन वी विल लुक इनटू इट। एरर आना तो नहीं चाहिए, बट सीएसवी फाइल में जब हमको इसको कन्वर्ट करना है तो फिर यहाँ पे इसको कॉमा सेपरेटेड एक काम करते हैं, यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि आगे जाके क्या है मुझे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू चाहिए रहेगी जब मैं इसको सीएसवी में कन्वर्ट करूंगा सारी डिटेल्स को, क्योंकि हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो सीएसवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक रिप्लेस मैं इसको क्या करता हूँ, चलो इसको बाद में देखते हैं, छोड़ो बाद में हम करेंगे इसको। तो पहले तो मैं इसको नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा फिर खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट डिटेल्स आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए स्टार्स। ओके, अब मुझे चाहिए स्टार्स। ठीक है, अब स्टार्स मुझे चाहिए, तो स्टार में मेरा क्या रहेगा, स्टार में मेरी क्लास कौन सी है, स्टार में मेरी क्लास है ये रही, किससे वो टैप क्या है हमारा डिवाइड वाला था, तो स्टार्स इज इक्वल टू किसमें है ये कंटेनर में, क्या करना है फाइंड करना है। इसमें फाइंड ऑल नहीं लगेगा क्योंकि क्या है कि फाइंड ऑल के लिए मेरे पास सारे के, सब लिस्ट में मुझे फैच करना है। अगर मैं सपोज फाइंड लगाता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल फाइंड लगाता हूं डी आई वी क्लास, ओके ये मेरी आगे क्लास प्रिंट स्टार्स, ओके ये मेरा स्टार आ गया, देख रहे हो आप। यहां पे अगर मैं फाइंड ऑल लगाता तो लिस्ट में आता, बट मैंने फाइंड ही लगाया तो स्ट्रिंग में ही आया है, तो मैं अभी इसमें फाइंड ही लगा रहा हूं। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है इसमें से, इसमें से मुझे फाइंड करना है टेक्स्ट, ये आ गए मेरे स्टार्स। ठीक है, तो मैं इसको क्या दूंगा, नाम दे देता हूं स्टार इज इक्वल टू स्टार्स डॉट टेक्स्ट, और हो जाएगा प्रिंट स्टार स्टार। ओके, तो ये मेरे सारे स्टार्स आ गए। ठीक है, अगर आपके कोई सपोज यहाँ पे एरर बताता है तो वो क्या होता है कि जो कभी लिस्ट में ना स्टार्स नहीं दिए होते हैं कंटेनर में, तो अगर वो एरर आता है तो उसको आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया स्टार। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए रेटिंग एंड रिव्यूज। ठीक है, रेटिंग्स अंडरस्कोर रिव्यूज, रेट रिव्यू कर देते हैं, इतना बड़ा कौन लिखेगा, रेट्रीव इज इक्वल टू किस में है कंटेनर में। अब रेटिंग एंड रिव्यूज मैंने साथ में क्यों लिया है फ्रेंड्स, ये देखते हैं। देखो रेटिंग एंड रिव्यू में मैं जब जाता हूं तो ये रेटिंग और रिव्यू में गया, तो यहां पे आप देखेंगे कि इनकी एक स्पेसिफिक क्लास नहीं है रेटिंग एंड रिव्यूज की। ये दोनों जो है ना रेटिंग एंड रिव्यू, ये एक ही क्लास के अंदर है, रिव्यू के है ये एक ही क्लास के अंदर है। यहां पे आप इसको क्लास देख रहे हैं वो इसका नहीं है, इसको ऐसे अलग से डिफाइन नहीं करता, ये आप एक ही के अंदर ले सकते हैं। तो क्योंकि देखिए रेटिंग का क्लास नहीं है, तो रेटिंग का जब मैं क्लास लूंगा ना तो वो ऑटोमेटिकली रिव्यू भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो इसलिए मैं एक ही में करके इसको क्लोज करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, कंटेनर डॉट फाइंड, अब आप देखेंगे ये टैब क्या है, टैब मेरा स्पैन है। ओके, तो मेरा ये रह जाएगा स्पैन, और फिर मुझे क्या चाहिए, एक डिक्शनरी बनानी है, डिक्शनरी में मेरा क्लास है, क्लास के अंदर मेरा कौन सा क्लास है, ये प्रिंट रेट एंड रिव, प्रिंट करना है मुझे ये। ओके, अब आप देखेंगे कि मेरे रेटिंग एंड रिव्यू आ गए, रेटिंग एंड रिव्यू आ गए। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ये आवाज आ रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये रेटिंग रिव्यू आ गया, तो अब मुझे क्या निकालना है, रेटिंग्स। तो पहले मैं रेटिंग्स के लिए सेपरेट एक वेरिएबल बना देता हूं, तो इसमें मुझे क्या चाहिए रेटिंग्स में, तो रेट अंडरस्कोर रिव डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, इंडेक्सिंग नहीं कर रहा क्योंकि ये पूरा मेरा किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो मैंने रेट रिव में डॉट टेक्स्ट लिया, डॉट टेक्स्ट करा मैंने, तो अब क्या हुआ,
डॉट टेक्स्ट में देखिए रेटिंग का आ गया, रिव्यू का आ गया। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें अगर मैं जीरो करता हूँ, ओके कुछ तो गड़बड़ हुआ ही। तो रेटिंग का मेरा ये आ गया। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रेट रिव्यू किया, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट रेटिंग्स करूंगा। जैसे मैंने प्रिंट रेटिंग्स किया तो आप देखेंगे कि ये इस फॉर्म में डिवाइड हो गया है। ओके तो अब इसमें एक और चीज देखेंगे, आपको रेटिंग और रिव्यूज दोनों साथ में दिया है तो मुझे अलग अलग लेने हैं रेटिंग्स एंड रिव्यूज। तो मैं क्या करूंगा, आपको क्लियरली अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मेरा एंड से ये स्प्लिट हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट करूंगा फ्रॉम एंड। ठीक है, तो यहां पे मेरा आ गया, क्या आ गया, यहां पे मेरा एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। इसमें इंडेक्सिंग वन यहां पे है, इंडेक्सिंग जीरो सॉरी जीरो यहां पे है और वन यहां पे है, इसको अभी इग्नोर करो आप। तो यहां पे अगर मैं जीरो लेता हूं तो ये मेरी रेटिंग्स आ गई। ओके तो अब मुझे क्या है कि मैंने रेटिंग वेरिएबल ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहां पे रेटिंग्स का नेम मुझे नहीं चाहिए, तो अब मैं इसको फिर से स्प्लिट करूंगा। अब ये स्प्लिट किस बेसिस पे करूंगा, स्प्लिट करूंगा मैं जो स्पेस है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जब स्प्लिट होगा तो ये अगेन लिस्ट बनेगा, तो यहां पे जीरो और वन का इंडेक्सिंग होगा, तो मुझे कौन सा चाहिए, जीरो। तो यहां पे मैं, यहां पे मेरा जीरो आ गया और मैंने यहां पे मेरी रेटिंग्स निकाल ली है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होप सो नहीं होगा। तो यहां पे आपने ये निकाल लिया, तो इसी तरीके से मैं रिव्यू भी निकालूंगा। ओके तो मेरा रिव्यूज क्या होगा, रिव्यूज इज इक्वल टू रिव्यूज इज इक्वल टू, यहां पे मेरा जीरो की जगह वन आ जाएगा। ओके ये आ गए मेरे रिव्यूज। ठीक है, तो आपके सारे रिव्यूज इसमें आ जाते हैं। ओके होप सो अभी तक हमारी सारी चीजें क्लियर हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे 258695 हमारे सॉरी यहां पे रिव्यूज हैं, तो यहां पे प्रिंट होगा रिव्यूज। ओके तो आप देखेंगे कि मेरे सारे रिव्यूज प्रिंट हो गए हैं। ओके तो आप ये, इसको मैं पहले कमेंट करके खाली रिव्यू प्रिंट कराता हूं पहले तो। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ओके एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या हो गया सारा वो अब हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये भी मैंने कमेंट कर दिया था, अगर ये कमेंट कर दिया तो यहां से ये लेगा कैसे वैल्यू, इसलिए वो एरर दिखा रहा था, वो एरर भी अलग तरीके से शो कर रहा था। ओके तो तो हमारे सारे रिव्यूज आ गए हैं यहां पे आप देखेंगे। ओके तो यहां पे हमारे रिव्यूज आ गए और रेटिंग आ गई, दोनों आ गए हैं सेपरेटली। ठीक है, इसको आप रेजेक्ट सेपरेशन से भी कर सकते थे, रेजिस लाइब्रेरी यूज करके, बट वो अभी कर नहीं रहे, वो हम फिर कभी करेंगे। इसमें तो हमारे क्या आ गया, रेटिंग आ गया, रिव्यूज आ गया। अब आते हैं हम प्राइसिंग पे। ओके तो प्राइसिंग पे आते हैं, प्राइसिंग पे हमारी क्लास क्या है, ये रही। ओके सो करंट प्राइस, एक सेकेंड यहां पे डबल कैश, तो करंट प्राइस इज इक्वल टू, करंट प्राइस इज इक्वल टू किस में है, कंटेनर में है, कंटेनर इज इक्वल सॉरी कंटेनर डॉट फाइंड करना है मुझे। फाइंड कहां से करना है, टैब मेरा क्या है, डीआईवी, यहां पे मैं डिक्शनरी बनाऊंगा, डिक्शनरी मेरी क्या है, ये रही, और डिक्शनरी में मेरा क्लास क्या है, ये रहा मेरा क्लास। ठीक है, तो यहां पे मैं प्रिंट क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा मैं करंट प्राइस, ये मेरा आ गया करंट प्राइस। तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें प्राइस इज इक्वल टू करंट प्राइस डॉट क्या निकालना है, एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हैं वही निकालना है हमें, डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसमें यहां क्या कराऊंगा, प्रिंट प्राइस, परफेक्ट, तो ये मेरा प्राइस आ गया। ठीक है, ओके तो ये मेरे सारे मोबाइल के जो भी कंटेनर जितनी वैल्यूज है सबकी प्राइस आ गई। अब मुझे सिमिलरली क्या निकालना है, सिमिलरली मुझे निकालना है एमआरपी।
एमआरपी के लिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट तो कर दिया है। मैं इसमें क्या निकालूंगा, एमआरपी, मेरी क्लास क्या है एमआरपी की। अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लास फाइंड करूँगा और क्लास मेरी क्या है ये रही, यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करना है मुझे, ये रही मेरी क्लास। तो यहाँ पे एम आर पी कैपिटल पी है, ओके। तो ये आ गया एम आर पी, ये आ गया एम आर पी, यहाँ पे आ गया एम आर प्राइस कर देते हैं क्योंकि मुझे मुझे खाली एम आर पी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एम आर पी, ये मेरा एम आर पी आ गया। अच्छा जी, अब देखो कि यहाँ पे एरर आ गया, ओके। एरर क्यों आया, एरर इसीलिए आया होगा, एरर एरर क्यों आया है, एरर आया है ये देखिए, यहाँ पे जो गूगल पिक्सल है ना उसमें एम आर पी दिया हुआ नहीं है, ओके। बाकी सब में है, तो यहाँ पे एम आर पी दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे ये ले नहीं रहा है वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, एनी गैसेस? अगर गैस करना है तो वीडियो पॉज करके करिए, नहीं करना कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो ट्राई कि अगर मेरा एम आर पी में वैल्यू आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता, सपोज देर इज एन एक्सेप्शनल, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एम आर पी इज इक्वल टू जीरो, एम आर पी इज इक्वल टू प्रिंट जीरो, प्रिंट जीरो, अरे अब क्यों नहीं आ रहा, ओके इसको भी ले लेते हैं ना अंदर, क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ये आ गया आपके। तो यहाँ पे जहाँ पे एम आर पी नहीं है वहाँ पे हमारा ये जीरो वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हमने ये आ गया हमारा जीरो, ओके। बाकी जगह हमारी एम आर पी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एम आर पी। नाउ अब एम आर पी के बाद मुझे क्या फाइंड करना है, एम आर पी के बाद मुझे फाइंड करना है ये आ गया, ये आ गया, डिस्काउंट मुझे चाहिए नहीं क्योंकि मैं डिफरेंस से निकाल सकता हूँ। अब मेरा क्या बचा है, अब मेरा बचा है ये कंटेनर। अब इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो मेरे वैल्यूज हैं, जैसे ये सबकी क्लास एक ही है। यहाँ पे आप देखेंगे इन सबकी क्लास कैमरा प्रोसेसर मेरे, ये सबकी क्लास एक ही है, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं सबको एक साथ निकाल लूंगा, ओके। बट इसमें आप देखेंगे ये टैब मेरा एल आई है, वो ध्यान रखना, ये देखिए यहाँ पे मेरा टैब एल आई है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक साथ निकाल लेते हैं, पहले इन्फो कंटेनर डॉट फाइंड ऑल एल आई, ठीक है। वो ध्यान रखना एल आई है इसमें, फिर आपको एरर पता नहीं चलेगी क्योंकि वो कुछ देगा नहीं रिजल्ट, वो खाली नन दे देगा आपको और फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये नन आया कहाँ से, ओके। प्रिंट इन्फो, ये देखिए आपको ये इन्फो आ गया। तो ये आपका 128 GB रोम, फिर अब आप खुद से समझ लेना, देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, ये क्लास में है तो हमारे ये सारे इंडेक्सिंग फॉर्म में है, ये रोम जीरो इंडेक्स में है, ये जो साइज है फर्स्ट इंडेक्स में है, फिर फ्रंट कैमरा मेरा इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 है। तो अब समझ में आया कि हम क्या करेंगे, होप सो आपको समझ में आया होगा कि अब हम करेंगे क्या, कि अगर मुझे रैम अंडरस्कोर रोम रोम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन्फो ऑफ जीरो डॉट टैक्स निकाल लूंगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे से पहले हटा देता हूँ, इनको ठीक निकाल लूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मुझे कैमरा निकालना है, कैमरा इज इक्वल टू इन्फो ऑफ जीरो, सॉरी किस पे आएगा ये, जीरो तो आ गया मेरा, ये वन है, यहाँ पे मेरा वन पे आएगा, टू पे आएगा ये, ओके। टू डॉट टेक्स्ट आ गया कैमरा, फिर बाद में आएगा मेरा प्रोसेसर, प्रोसेसर कैसे आएगा, प्रोसेसर आएगा इंडेक्स 3 डॉट टेक्स्ट से, ठीक है।
अब इसी तरह से मेरा वारंटी आएगी, वारंटी मेरी कैसे आएगी, इन्फो ऑफ सॉरी 4 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 डॉट टेक्स्ट। तो ये मेरे आ गए रैम रोम एंड एवरीथिंग जो वेरिएबल्स हैं, उसको एक बार मैं प्रिंट कराता हूँ। कैमरा, प्रोसेसर, फिर वारंटी, मैंने एक साथ प्रिंट करा ली। ये देखो आ गए सब, ये मैंने एक साथ प्रिंट कराया। एक एक करके कराना तो भी मैं करा सकता हूँ, देख लो मैं एक एक करके भी करा देता हूँ आपके लिए, आपकी संतुष्टि के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके सॉरी, ये देखिए रैम रोम आ गया है, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ बट मुझे करना नहीं है, मैंने एक ही वेरिएबल में दोनों वैल्यू ले लिए क्योंकि किसी में है किसी में नहीं है, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप करना हो तो कर सकते हो, आपको पता है ये कैसे करना है, स्प्लिट करना है और ये स्पेस हटा देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो करना हो तो। ओके तो यहाँ पे मेरा ये कॉमा आ जाएगा, इसको मैंने हटा दिया है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉरी ये बड़ा इशू है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे एक करके इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके तो ये मेरा कैमरा आ गया, इसको भी मैं सेपरेट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे सारे कैमरा मुझे चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 50 गियर कैमरा डायरेक्टली, बस इतना ही दिया है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से कैमरा दिए हैं मेरे, तो ये कैमरा अगर आपको सेपरेट करना हो तो आप खुशी खुशी कर सकते हैं, आपको कैसे स्प्लिट करना है वो आपको पता है। तो इसी तरीके से मेरे सारे डेटा डिवाइडेड हैं। ओके तो ये मेरा हो गया है एक वैल्यू। ओके अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरा एक लास्ट पार्ट बचता है, क्या चाहिए अब मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ मैंने क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला था आपको। ठीक है, प्रोडक्ट नेम आ गया, स्टार्स आ गए, रेटिंग, रिव्यू, करंट प्राइस, एमआरपी, रैम रोम, कैमरा, इमेज, अब बचती है इमेज। ठीक है तो अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इमेज को, इमेज आईएमजी करते हैं, इमेज इज इक्वल टू कंटेनर, कहाँ पे फाइंड करना है हमको, कंटेनर में, कंटेनर में क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है। तो फिर से इसको लेके जाओ इधर, अब इसमें आप देखेंगे टैब क्या है मेरा, टैब है मेरा IMG। ओके और क्लास क्या है, ये रे क्लास। तो इसको मैं बढ़िया तरीके से फिर से एक फाइंड करेंगे हम, IMG कॉमा, मेरा ये कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, डिक्शनरी बनाऊंगा क्लास, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये, तो आएगा मेरा प्रिंट करूंगा मैं IMG। ओके तो मेरा आ गया ये पूरा। अब इसमें आप देखेंगे जो मेरी इमेज की लिंक है वो ये है HTTPS, ठीक है, ये नहीं है, ये तो मोबाइल के डिटेल्स है। ओके बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो उसकी इमेज चाहिए। तो इमेज भी आप देखेंगे यहाँ पे ये लिंक पे है, तो यहाँ से मुझे लिंक को निकालना है, वो कैसे करूँगा, तो IMG डॉट एक ऑपरेशन है हमारा, एक फंक्शन है कॉल्ड गेट। गेट हमें क्या चाहिए, SRC चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे SRC इज इक्वल टू ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इमेज इज इक्वल टू प्रिंट हटा देते हैं यहाँ से। ओके प्रिंट IMAGE, प्रिंट इमेज, ये देखिए आ गया। ओके तो इसी तरीके से मेरी पूरी डिटेल्स आ जाती है यहाँ पे, सपोज मैं क्लिक करता हूँ ये एक एप्पल का आ गया। ओके इसी तरीके से मैं अगर दूसरा करता हूँ तो ये एक और मोबाइल का डिटेल्स आ गया है मेरा, समझ रहे हो, ये मेरा पिक्सल है गूगल का, ये देखो पीछे फ्रंट कैमरा, सॉरी सॉरी गाइस। तो इसी तरीके से मेरी सारी डिटेल्स आ गई, तो मैंने सारे डेटा फेच कर लिए कंटेनर में से, प्रोडक्ट आ गया, रेटिंग, रिव्यू, स्टार्स, मेमोरीज और ये सब आ गए। ठीक है मैंने सारे डेटा फेच कर लिए, अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी इसको कमेंट क्यों करते हैं, अब मैं ना सारे कमेंट्स को निकाल देता हूँ। ओके तो मैंने जो कमेंट्स किए थे, तो जैसे मैंने कमेंट किए थे कंट्रोल स्लैश करके, वैसे ही मैं कमेंट निकाल सकता हूँ इसमें कंट्रोल स्लैश करके। ओके तो ये मेरे सारे हो गए। ओके मैंने
ये इंडेंटेशन एरर आया है। इंडेंटेशन एरर कहाँ पे आया है? इंडेंटेशन एरर आया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको याद है ना, दो हैश हो गए थे, तो ये मेरे सारे डिटेल्स आ गई है, ये रही। बट ये डिटेल्स बहुत बुरी तरीके से आई है, तो मैं काम करता हूँ, मैं ना सबको एक साथ प्रिंट कराता हूँ। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। क्या कमेंट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा हूँ, मैं फाइंडिंग द प्रोडक्ट नेम। ओके, तो इसको मैं प्रिंट यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं एक साथ नीचे प्रिंट करा दूंगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फाइंडिंग द प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे थे, फाइंडिंग स्टार्स, स्टार रेटिंग कर देना है तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, रेटिंग एंड रिव्यूज, तो फाइंडिंग दी रेटिंग एंड रिव्यूज। ओके, ये आ गया मेरा, अब रेटिंग एंड रिव्यूज आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे से रिव्यूज को हटा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या फाइंड कर रहा था, उसको स्पेस को ये भी हटा ही देते ना, क्या जरूरत है, रेटिंग एंड रिव्यू साथ में रहेंगे अच्छा लगेगा। फाइंडिंग दी करंट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे प्राइस को हटा दिया है मैंने, और यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा है एमआरपी, फाइंडिंग दी एमआरपी ऑफ प्रोडक्ट, एमआरपी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट ठीक है, यहाँ से मैं प्रिंट को हटा देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं प्रिंट को हटा देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा हो गया प्रिंट, यहाँ पे मेरा दूसरा इनपो आ जाएगा, फाइंडिंग दी इन्फो। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक और आ जाएगा, फाइंडिंग दी इमेज। ओके, तो ये मेरा आ गया, यहाँ से मैं प्रिंट को हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, हटा दिया। बस लोग नाराज हो जाते हैं बात बात में। तो यहाँ पे मैंने इसको सबको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। फिर क्या था, प्रोडक्ट डिटेल्स के बाद स्टार, स्टार के बाद क्या था, स्टार के बाद था मेरा रेटिंग्स, रेटिंग्स था, रेटिंग्स, फिर रिव्यूज, रिव्यूज हो गया, फिर प्राइस थी खाली, करंट प्राइस नहीं था, प्राइस और एमआरपी, और फिर रैम रोम और इमेज तो थे। ओके, तो ये आ गया। अब इसमें से ये देखेंगे तो थोड़ा सा अगर मैं इसको और सेपरेट करूं, देखें तो काम करते हैं, मैं इसको सेपरेट करता हूँ, प्रिंट स्लैश एंड। देखिए ये आ गया, तो यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट कर लिया है। ओके, तो ये सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे ये मेरा आ गया पूरा डिटेल्स, अब देख रहे हैं अच्छा लग रहा है थोड़ा। ओके, तो ये हमारी सारी डिटेल्स आ गई है यहाँ पे, देखो आपको ये स्टार मिल गया, 4.6 का स्टार है, इसका प्राइसिंग है, नहीं सॉरी, इसकी रेटिंग्स है, रेटिंग, रिव्यू, प्राइस, एमआरपी, रैम, कैमरा, फिर फ्रंट कैमरा हमारा कितना है, प्रोसेसर क्या है इसका, वारंटी क्या है, और इमेज क्या है, ठीक है। ये हमारी पूरी डिटेल्स आ गई है एक पेज की हमारी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ सीएसवी में, मुझे कन्वर्ट करना है इसको, एक फाइल बनानी है मुझे, ठीक है। तो अब फाइल कैसे बनाऊंगा मैं इसकी, वो हम देखेंगे इसमें। तो आपको होप्स हो, आपने ये जब जेसन फाइल पढ़ी होगी तो वहां पे एक हमको देखा था हमने कि हम फाइल कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फाइल ओपन करेंगे हम, एफ
इज इक्वल टू ओपन, क्या करना है हमें फाइल का नेम देना है, ओपन करना है। फाइल का नेम मैं क्या दूंगा, मोबाइल अंडरस्कोर इन्फो। ओके इन्फो किस फॉर्म में मुझे चाहिए, सीएसवी में चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा डब्ल्यू बी, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था डब्ल्यू क्योंकि मुझे राइट करना है, बट यहाँ पे एक सिंबल आता है रुपीस का, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे डब्ल्यू बी करना है, अदरवाइज वो मुझे एरर देगा। ओके तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे राइट करवाना है। राइट क्या करवाना है, राइट मुझे सारे जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स ये रहे मेरे कॉलम्स, ठीक है। तो ये मुझे कॉलम चाहिएंगे, ठीक है, ये मेरे कॉलम्स आ गए। फिर बाद में मेरा आ जाएगा ब्लैक स्लैश एंड, तो क्या है कि मेरा स्पेस रहेगा उसमें। ओके तो ये हो गया। और इसी तरीके से अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये पूरी डिटेल्स उसमें वैल्यू ऐड करनी है, कौन सी, ये पूरे कंटेनर्स की। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं करूंगा एफ राइट करूंगा, तो यहाँ पे मेरा इसकी जगह प्रिंट, तो यहाँ पे मुझे ये मेरा मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, एफ डॉट राइट करूंगा, एफ डॉट राइट एफ स्ट्रिंग बनाऊंगा। होप सो आपको एफ स्ट्रिंग पता होगा। एफ स्ट्रिंग में क्या होता है कि ये सारी चीजें हम करली ब्रैकेट में लिख देंगे डायरेक्टली उठा के, तो उसमें क्या होगा, ये हो गया। ओके तो अब मेरा क्या होगा, ये इसको मैं करली ब्रैकेट में लिख दूंगा, तो ये मेरे सारे वैल्यूज यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। रेटिंग्स, अच्छा फिर से स्टार और रेटिंग का आप देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप बहुत ध्यान रखना, किसी में भी स्पेस मत दे देना, अगर आप स्पेस दोगे फिर वो वहां पे स्पेस ले लेगा और आपको फिर एनालिसिस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यहाँ पे स्पेस मत देना। तो ये मेरा आ गया कैमरा, ये आ गया यहाँ पे प्रोसेसर, प्रोसेसर के बाद मेरे आ जाएगी वारंटी, वारंटी और मेरा फिर आ जाएगा इमेज। ओके ये मेरा इमेज आ गया। ओके तो ये मेरा पूरा एफ स्ट्रिंग यहाँ पे बन जाता है। अब मैंने एफ स्ट्रिंग ओपन तो कर दिया है, अब मुझे इसको क्या करना है, एफ स्ट्रिंग को क्लोज करना है, तो यहाँ पे लूप के बाहर ले जाना, लूप के पहले कर दिया तो फिर वो एक ही वैल्यू आएगी, लूप के बाहर ले गए तो यहाँ पे मेरी एफ स्ट्रिंग हो जाती है क्लोज। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। ओके ओके तो मेरा एरर क्या बता रहा है, ओके बिट्स लाइक ऑब्जेक्ट नॉट स्टिर पॉइंट। ओके ये कुछ तो यहाँ पे इसने क्या ले रहा है, ये बिट टाइप्स नॉट रिक्वायर्ड डॉट स्ट्रिंग, तो इसमें क्या है, मुझे ये एनकोड कर रहा है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, एनकोडिंग करूंगा, एनकोड ये करूंगा। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं देखूंगा ना, तो यहाँ पे भी सेम तरीके से यहाँ पे मैंने एनकोड किया है, उसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी एनकोड करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे भी मुझे एनकोड करना पड़ेगा, एनकोड का इश्यू क्या आ रहा है हमें ये देखना है। अच्छा ओके 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 ये एफ स्ट्रिंग के बाहर आना चाहिए, एनकोडिंग एफ स्ट्रिंग के अंदर कहाँ से आ गया, अब देखें, हाँ अब आ गया, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू पूरी आ गई है यहाँ पे। ओके तो हम अब क्या देखेंगे कि ये वैल्यू तो आ गई है, अब हमने एक फाइल बनाई है, तो अब वो फाइल सेव होगी, वो फाइल कहाँ पे सेव होगी, वो फाइल वहां पे सेव होगी जहां पे आप ये पूरा बना रहे हैं इसको। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मोबाइल इन्फो सेव हो गया है सीएसवी, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया पूरा वैल्यू। ओके तो ये आपका पूरा एक फाइल बन गई है सीएसवी की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हैं, स्पेस देखिए, ये देखो पूरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ गया और फिर दूसरा यहीं पे चालू हो स्टार्ट हो गया यहीं से। तो इसको एक काम करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ये ओके एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा इन्फो आ जाता है,
तो ये मेरा आ गया इन्फो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन्फो मेरी पूरी डिटेल्स आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको एक काम करते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, और इसमें हम यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा स्पेसिंग कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे सब कुछ साथ में हो गया है, तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। देखो एप्पल यहाँ पे आ गया, एप्पल आ गया, एक ही साथ में है, तो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे तो अच्छा लगेगा हमें। ओके तो यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। ओके यहाँ पे फ्लैश नहीं हुआ है, कहीं इसकी अलग फाइल तो नहीं बन गई। ओके अब देखेंगे कि वहां पे नहीं हुआ, हमको क्लोज करके फिर दूसरी फाइल करनी है। तो यहाँ पे देखिए पूरा सेपरेट हो गया है। ओके तो ये सेपरेट वैल्यू हमारी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे हमारे इस पे जहाँ पे ये चीजें सेव हो रही है, तो वहां पे सेव हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जैसे अब इसमें इसको हम निकालेंगे ये फॉर्म में, CSV फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में हम इसको अब देखेंगे। हम वहां पे तो हमने वो फॉर्म में, यहाँ पे हम एक्सेल फॉर्म में देखेंगे। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे इसको, यहाँ पे देखेंगे ये ओपन हो गया है। अब हम इसमें क्या है, ओके इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस मेरा 58 है, MRP 695 है। यहाँ पे मेरा A12 है, ये 17715 है, ये इस तरह से। तो ऐसा क्यों आ रहा है, सो लेट्स सी ऐसा क्यों आ रहा है। तो ऐसा अब हम देखेंगे ऐसा क्यों आ रहा है। ओके तो इसमें क्या इश्यू हुआ है कि शायद आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कॉमा का। तो ये CSV है, तो यहाँ पे जो हमारी प्राइस आई है ना, वो प्राइस आप देखेंगे जो हमारी वैल्यू दी हुई है हमें प्राइस में, ये तो इसमें देखिए कॉमा है 52,499। तो इसको 52 को और 499 को इसने एक अलग से सेपरेट कर दिया CSV में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फिर से क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, रिप्लेस करेंगे। इसमें हम क्या रिप्लेस करेंगे कि जो मेरा प्राइस है टैक्स फॉर्म में आ गया, तो उसमें जो मेरा कॉमा है, रिप्लेस जो कॉमा है उसको मैं रिप्लेस करूंगा स्पेस के साथ, यानी एम्प्टी स्पेस के साथ। तो जो मेरा 52499 है, 52,499 वो हो जाएगा 52,499, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस करूंगा इसी तरीके से, सेम वे आई विल रिप्लेस दिस MRP ऑल्सो। ओके नाउ ट्राई इट, ठीक है। यहां पे मैं इसको करता हूं, इसको क्लोज करके मैं फिर से इसमें जाता हूं। यहां पे जाके मैं अब देखिए, ओके अभी भी ऐसे ही आ रहा है, ये ऐसा क्यों आ रहा है अभी भी। यहाँ पे ओपन है, ये रेटिंग का क्या है। ओके ये इसीलिए आ रहा है। देखो मेरा प्राइस तो आ गया है, यहाँ पे जो इश्यू आ रहा है वो रेटिंग को लेके आ रहा है, क्योंकि रेटिंग में भी कॉमा है। समझ गए आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो मेरा रेटिंग है, रेटिंग वैल्यू में भी तो कॉमा है मेरा। ओके ये देखिए रेटिंग एंड रिव्यूज में 2,58,695, तो उसको भी तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके डॉट रिप्लेस क्या है, कॉमा, ये आ गया मेरा, हो गया। इसी तरीके से मेरा ये यहाँ पे रिप्लेस होगा। अच्छा ये हो गया। ओके नाउ यू विल सी इट, नाउ यू कैन सी कि जो मेरा ये फाइल है, कहाँ गई मेरी फाइल, ये रही। इसको मैं क्लोज करूंगा और फिर मैं इसको फिर से ओपन करूंगा। ओपन करके मैं देखूंगा, रीड ओनली बता रहा है अभी भी, परफेक्ट ये आ गया मेरा, ठीक है। ओके अभी एक और चीज इशू हुआ है कि इसमें नेम अलग अलग आए हैं, प्राइसिंग स्टार प्रोडक्ट डिटेल्स, यहां तक तो ठीक था। ओके अभी एक और चीज याद है आपको, मैंने जब आपको बताया था कि यहाँ पे आप देखेंगे ना जो प्रोडक्ट डिटेल्स है, ये रे स्टारलाइट कॉमा 128 GB, जो मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में कि अभी करते हैं नहीं बाद में करते, यही चीज मुझे आपको बतानी थी।
तो इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये सब चीज आप ध्यान रखना। हो गया, अब आप इसको फिर से डिलीट करेंगे, एक मिनट क्लोज कर देते हैं, क्लोज करके ही ओपन करते हैं ना, डिलीट करने की जरूरत क्या है, डोंट सेव इट, रीड ओनली। ओके नाउ यू सी इट, ओके समझ गए अब आप। देखिए ऐसा छोटा छोटा चीजें होता है, ये बन गई आपकी CSV फाइल। ओके यहां पे रूपी सिंबल को ये इस तरीके से ले रहा है, इसको हटाना है तो हटाएंगे अभी हम, पहले ये देख लेते हैं कैसे करते हैं चीजें, फिर करेंगे इसको सेव। ओके सेव एस, इसी में सेव करते हैं, और मोबाइल अंडरस्कोर इन्फो वन, इन्फो_1, सो वन, अच्छा सॉरी प्रेस कर, तो ये मेरा हो गया सेव। ओके अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे जाके इसको CSV फाइल अब मैं बनाता हूँ। मुझे क्या चाहिए, अब मैं सब मेरा वेब्स फ्लिपकार्ट डेटा लिखते हैं ना, फ्लिप लिखते हैं, pd डॉट रीड अंडरस्कोर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इम्पोर्ट पांडास करना है, इम्पोर्ट पांडास एज pd। होप ये तो सबको आता ही होगा, होप सो, कि यहाँ पे हम कैसे इसको वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्ट पांडास एज pd, तो फ्लिप इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। csv मेरा फाइल का नेम क्या है, मोबाइल अंडरस्कोर इन्फो अंडरस्कोर था लास्ट में, डॉट csv, और अब मैं करता हूँ फ्लिप, बिंगो ये आ गया। ये देखो कर लिया फेच डेटा अपने ने पूरा, हो गया। ये अननेम्ड क्या है, अब ये कहाँ से यहाँ पे आ गया। ओके रैम 6 कोर प्रोसेसर, और वारंटी में, अच्छा तो इसमें लगता है वारंटी भी सेट, कॉमा सेपरेटेड होगी। कौन सा मोबाइल है ये रहा, यहाँ पे भी सेम चीज है, मोबाइल कॉमा सेपरेटेड ये नहीं है, यहाँ पे कई कॉमा में वैल्यू है हमारी। एक काम करते हैं, डेटा में जाके देखते हैं कहाँ है हमारा डेटा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कोई कॉमा सेपरेटेड कहीं पे कुछ है, ओके यहाँ पे आप देखेंगे एक और चीज आ रही है, एप्पल आईफोन मिडनाइट 128 GB, पहले देखते हैं मिडनाइट 128 GB, ये पहला ही है, इसमें क्यों ऐसा आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है रिव्यू हो गया, सब चीज तो हो गई, फिर क्या हो गया इसको, वन ईयर वारंटी, 6i4, प्रोसेसर आ गया, यहाँ पे भी प्रोसेसर, ओके यहाँ पे दो प्रोसेसर हैं, 6i6 कोर, ये इधर आ गया, ये रहा ठीक प्रोसेसर,
यहाँ पे देखिए काफी सारी डिटेल्स दी हुई है इन्होंने। अगर मैं देखता हूँ ये चीज का, तो अगर मैं ये वाला देखता हूँ, हाँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारी डिटेल्स एक्स्ट्रा दी हुई है जो हमारे पास इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम इसको भी फेच करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पहले ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए कॉमा है, ये रहा कॉमा। तो हम इसको यहाँ पे भी जो हमारी वारंटी है, सॉरी प्रोसेसर है, प्रोसेसर में भी हम यही करेंगे, रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। प्रोसेसर को भी हम रिप्लेस कर देंगे, प्रोसेसर में ये रहा प्रोसेसर। ओके, नाउ यू कैन सी, अगर देखो डायरेक्टली हो जाता है तो, अगर लेट्स सी, नहीं हुआ है तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा चेंज। वन ईयर, यहाँ पे इसको पहले क्लोज करते हैं, क्लोज करके हम जाते हैं यहाँ पे मोबाइल इन्फो में, मोबाइल इन्फो में रीड ओनली करते हैं। रीड ओनली के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा प्रोसेसर चेंज 6 आईफोन, यहाँ पे हो तो जाना चाहिए था, वारंटी है। अच्छा यहाँ पे देखिए हो गया है चेंज। ओके, तो यहाँ पे हमारी सारी चीज चेंज हो चुकी है, वारंटी आ गई सब जगह। ओके, यहाँ पे एक और चीज देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे बैटरी का एक अलग आ रहा है नहीं, और यहाँ पे वारंटी है यहाँ पे, बट प्रोसेसर मेरा वारंटी में जा रहा है और यहाँ पे बैटरी है। क्योंकि किसी किसी में क्या है कि प्रोसेसर की जगह वारंटी, जो हमारा जो फ्लो है वो चेंज हुआ है वीकेंड से। तो यहाँ पे मेरी तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बैटरी का कॉलम बना देता हूँ। और जहां पे नहीं होगा उसको जीरो कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इन्फो आएगा, मेरी बैटरी आएगी, बैटरी मेरी कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें अभी इसको यहीं तक रखते हैं, पार्ट टू को। होप सो आपने ये समझ लिया होगा। पार्ट थ्री में मैं आपको पूरा डिटेल निकाल के बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे करेंगे हम इसको। अभी यहाँ पे तो ये तो हो गया है, हमने वो चेंज तो कर दिया है। ओप्स, इसमें चेंज हुआ हो, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे देखिए ब्रांड वारंटी और ये सब तो आ गया है, इमेज भी आ गई है। प्रोसेसर और डोमेस्टिक वारंटी आ गया है, ये आ गया है, बैटरी, यहाँ पे प्रोसेसर एंड बैटरी नेम कर देते हैं कॉलम का, फिर इसको सेपरेट कर देंगे लिस्ट में, उसको वहां पे जाके नहीं करते, वहां पे जाके फिर बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे। इसमें इश्यूज क्या आएंगे, इसमें इश्यूज ये आएगा कि जब मैं यहाँ पे करने जाऊंगा ना, तो यहाँ पे इन्फो, किसी में इन्फो थ्री पे मेरा प्रोसेसर है और किसी में इन्फो थ्री पे मेरी बैटरी है, तो वो मैं सेपरेट करने में मुझे काफी डिफिकल्टी होगी, उसमें फिर रेजेक्स ऑपरेशन और ये सब शायद लगेगा, तो मुझे वो देखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे से रिप्लेस कर देंगे इसको। वो हम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे से लगा दिया, तो यहाँ पे से एक न्यू कॉलम बना के, तो जो भी बैटरी है मैं इसको कॉपी पेस्ट करके एक न्यू कॉलम बना दूंगा और वहां पे बाकी सबको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो सकता है यहाँ पे, तो इसको मैं अभी प्रोसेसर एंड बैटरी का नेम दे देता हूँ और इसको मैं सेपरेटली बाद में कर दूंगा। ओके, तो ये मेरा
वेब स्क्रैपिंग पार्ट टू। होप सो आपको ये अच्छा लगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स के साथ, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग में। ओके तो ओके गाइस, तो यहां तक आ गया है। अब इसमें आपको एनालिसिस करनी है, तो आप एनालिसिस इसमें आगे जाके कर सकते हैं। और आगे क्या करना है, आई विल लुक इनटू इट, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें आगे का भी वीडियो आपके लिए बना के दूंगा। बाकी डेटा एनालिस्ट तक मैं आपको फाइल में लेके आया हूँ, सीएसवी तक। सीएसवी के आगे आपने बहुत सारा ईडीए प्रोसेस और मशीन लर्निंग में किया होगा, होप सो आपने किया होगा, तो ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे खाली इसको टेक्स्ट, ये अभी टेक्स्ट फॉर्म में है प्राइसिंग, अगर आपको इसको होल नंबर में या किसी में कन्वर्ट करना हो तो रूपी का सिंबल आप हटा सकते हैं यहाँ से, वही स्प्लिट करके अपने कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ओके, तो होप सो आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू एंड प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, तो मैं ऐसी वीडियोस और बनाते रहूं आपके लिए। ओके थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।